वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता प्रताप सर नाइक के थानेसर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने रेड डाली है। ईडी के अधिकारियों द्वारा प्राप्त सर नाइक के परिजनों के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जाँच कर रही है। मुंबई और थाने समेत 10 जगहों पर रेड की बात सामने आ रही है। खबरों की माने तो यह रेड टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और विधायक प्रताप सरनाइक के बीच हुए आर्थिक लेन देन को लेकर हुआ है। हालांकि अभी तक प्रवर्तन निदेशालय ने यह छापेमारी किस मामले में की है इसकी जानकारी नहीं दी है। मीडिया सूत्रों से आ रही खबरों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि प्रताप सरनाइक और उनके परिवार ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को छिपाया है। इसकी जाँच ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। प्रताप सरनाइक खुद एक रियल इस्टेट डेवलपर है। शिवसेना में उनको एक तेज तरह नेता के तौर पर जाना जाता है, तो वहीं शिवसेना इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। यह जग जाहिर है कि महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि अभी पत्ते खुलने बाकी हैं कि क्या यह छापा राजनीतिक है या फिर सच में कोई फ्रॉड हुआ है। तो ये थी शिवसेना नेता के घर पर ईडी के द्वारा डाले गए छापे पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.